नीमच जिला स्वच्छता अभियान को लेकर जहां देश के 47 नंबर पर आने के बाद नगरपालिका अधिकारी और कर्मचारी वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं, तो वहीं इनकी पोल भी खुलती जा रही है। शहर में देखा जाए तो सीवरेज लाइन डाली गई थी और विकास के नाम पर बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए थे, लेकिन काम पूरा होने के बाद भी इसकी मरम्मत अभी तक नहीं की गई। कई जगह सिविल लाइन का पानी ऊपर आने लगा, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नीमच की जो सिविल लाइन है पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है, इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। चाहे ठेकेदार हो, चाहे नगरपालिका अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, हमारे वार्ड में भी सीवरेज लाइन डली, मगर जो पूर्व में जो नाली आती उसमें कम से कम सफाई कर्मचारी पावड़ी से और गेती से सफाई तो कर सकता था। सीवरेज लाइन तो ऐसा है कि आज दिन तक कोई ठीक करने डली है, जब से उसके बाद कोई देखने ही नहीं आया कि इसके अंदर क्या हालात है। इसके पूर्व में भी पहले नालियाँ थी तो भर चुका था ये पूरा हड़को पानी से, तब भी नालियाँ साफ हो गई थी, मगर ये सीवरेज लाइन से तो लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और लोगों के घरों में बदबू आ रही, बाथरूम जाम हो रहे, लेटरिन और बाथरूम के दोनों के पाइप एक साथ जोड़े गए हैं, उससे लोगों को काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। और ये कुल मिलाकर अभी सफाई कर्मचारियों के लिए धंधा बन गया है, जो बाथरूम लेटरिन साफ करने आते हैं, मन चाहे पैसे लेते हैं आम उपभोक्ताओं से, काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। सीवर लाइन का अभी पंपिंग स्टेशन काम चल रहा है और इसी माह में कंप्लीट हो जाएगा। जैसी पंपिंग शुरू हो जाएगी ये समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरी समस्या, मैं नागरिकों से अनुरोध करूँगा कि कृपया अपनी नालियों में जो बाथरूम की नालियाँ हैं उसमें नाली ट्रैप जरूर लगाएं, ताकि कोई सॉलिड वेस्ट जो है वो सीवर में ना जाए। सॉलिड वेस्ट जब सीवर पे जाता है तो सीवर चोक होता है, और चोक होता है तो पानी बाहर आता है, तो कहीं ना कहीं ये कारण भी एक बनता है। नीमच से आसिफ अली की ये रिपोर्ट।